एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। पासपोर्ट गुम हो गया वहीं पे, ऐसा किसी के साथ ना हो। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, अब इतना परेशान हो गया कि पूछो मत। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप एग्जाम भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। इसी में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हो तो ये जान जाओ कि मैं दुबई में हूँ, दुबई से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। उस कंटेंट में होता है दुबई का ब्लॉग्स और कुछ जो जॉब अपडेट होते हैं, और यहाँ के जो जॉब्स के टाइप होते हैं उनमें कितनी सैलरी मिल सकती है, और मैं लेने वाला हूँ अलग अलग कैटेगरी का इंटरव्यू और बताने वाला हूँ आपको मज़ेदार चीज़ें। दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जो कि डिपेंड करने वाला है कि जैसे मेरे एक दोस्त है, वो कुछ दिन पहले जो है घूमने के मकसद से बाहर गया हुआ था, बट क्या हुआ उसका पासपोर्ट गुम हो गया वहीं पर। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, अब इतना परेशान हो गया कि पूछो मत, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं था। तो मैं जो उसका एक्सपीरियंस हुआ है ये पासपोर्ट लेने में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि कई और भाई होंगे जो विजिट वीज़ा पे आएंगे और विजिटर्स होंगे, उनका पासपोर्ट अगर गुम हो जाता है बाय द वे, ऐसा किसी के साथ ना हो, तो वो क्या प्रोसेस करेंगे, क्या उसका फीस लगता है, क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ आपको जाने पे बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले कई लोगों का मैंने वीडियो देखा, उसमें बताया गया है कि अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या फिर आपके पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर वीज़ा में कोई प्रॉब्लम आता है, डायरेक्ट एमएनसी में जाओ। हालांकि और कंडीशन में आप जा सकते हो, बट अगर आपका पासपोर्ट गुम हुआ है तो उसके लिए लीगली प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि मतलब अगर जब भी आपका पासपोर्ट गुम होता है तो सबसे पहले आपको एक काम करना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि पूरा दुबई जो है केवल डॉक्यूमेंट को मानता है, तो डॉक्यूमेंट आपके पास बहुत अच्छे होने चाहिए। और उसके पासपोर्ट गुम होने के लिए सबसे अच्छी जो डॉक्यूमेंट बनती है और लीगली प्रोसीजर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आप सबसे पहले जहां पे गुम होता है वहां के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप जाओ और उसका रिपोर्ट लिखवाओ कि भाई देखो मेरा ये पासपोर्ट गुम हो गया है और मुझे उसका रिपोर्ट लिखवाना है। तो वो यहाँ दुबई के पुलिस जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली होते हैं, आपका प्रॉब्लम बहुत जल्दी सुन भी लेते हैं और काम भी अच्छा कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग जितने ऑफिसर्स हैं हिंदी समझते हैं, बोल भले ना पाए बट हिंदी समझते हैं, तो काफ़ी आसानी होती है मतलब कम्युनिकेट करने में। तो सबसे पहले आपको जाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखवाना है, वहाँ से एक रिपोर्ट लिख कर आपको देगा डॉक्यूमेंट, उसमें आपको एक फॉर्म देगा जिसको आप फिलअप करना पड़ेगा, आपका डिटेल्स होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपको रिपोर्ट लिखवाने में। तो उसमें सबसे पहले आपको जो है जो पासपोर्ट है उसका आपको प्रिंट आउट मांगा जाएगा, फोटोकॉपी मांगी जाएगी, तो वो जो है पूरा डिटेल्स प्लस उसके साथ में जो है जो कि पासपोर्ट इशू करवाने में आप जो जैसे इंडिया के हो तो पासपोर्ट इशू करवाने में जो भी डॉक्यूमेंट दिए हो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करते हो तो यहाँ आके बहुत सी प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप कहीं भी, यहीं नहीं दुबई में नहीं, आप कहीं भी अगर देश से छोड़ करके कहीं जा रहे हो जहाँ पे आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है, तो पासपोर्ट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट आपने इशू कराने में दिए थे वो पासपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रिंट आउट प्लस स्कैन कॉपी आपके मोबाइल में होनी चाहिए। आप एक जीमेल आईडी बनाओ, उसमें जो है गूगल ड्राइव में आप डाल के रखो, ताकि चाहे जहाँ आपको ज़रूरत पड़े तो वो निकाल सकते हो। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जब फॉर्म फिलअप करोगे तो उसको लेकर के आपको जाना है दुबई के कोर्ट में। दुबई के कोर्ट में आप जब जाओगे तो वहाँ पे स्टैंप लगेगा, स्टैंप जब लग जाएगा तो फिर आप पुलिस स्टेशन में आओगे और वहाँ से आपको एक पासपोर्ट लॉस्ट सर्टिफिकेट करके दिया जाएगा। तो वो जो आपको पुलिस स्टेशन में मिलेगा, शायद अगर वो अरबी में है, नॉर्मली अरबी में ही होता है, तो अगर अरबी में है तो उसको ट्रांसलेट कराओ, और ट्रांसलेट कराने के बाद दोनों कॉपियों का स्कैन करके आप अपने मोबाइल में रखो, प्लस उसका प्रिंट आउट आप ले करके फिर एम्बेसी में जाओ, अपने जैसे इंडिया का एम्बेसी होता है उसमें एम्बेसी में जाओ, वहाँ पे लीगल प्रोसीजर जितने भी होते हैं वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको शेयर करना था, आई होप आपको कुछ हेल्प मिला होगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो लाइक ज़रूर कर दो, वैसे मेरी कंडीशन देख सकते हो, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को हेल्प मिलेगी तो हमको बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। ओके बाय।